एक जंगल के एक विशाल पेड़ पर एक नंदनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह दिल की अच्छी थी लेकिन थोड़ी सी आलसी थी। उसी पेड़ के नीचे एक रानी चींटी अपनी पूरी टोली के साथ बिल में रहती थी। रानी, मैं देखती हूँ तुम लोग दिन भर काम में लगे रहते हो, एक दाना पाने के बाद उसी को लेके बिल में आ जाते हो, कुछ तो आराम कर लिया करो। नंदनी बहन, हम लोग भविष्य के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। मौसम हमेशा एक सा नहीं होता, बचत बहुत जरूरी है और बचत के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। मैं तो तुम्हें भी राय दूंगी, तुम अपने आने वाले कल के लिए पहले से ही खाने की बचत कर लिया करो। हमें जब भूख लगती है तब हम खाना खा लेते हैं और फिर आराम करते हैं, इसके बाद कल की चिंता नहीं करते हैं। नंदनी बहन, मान लो कल अगर मौसम बिगड़ भी गया और तुम्हें बाहर जाने का मौका ना भी मिला तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे करोगी? हम पंछी हैं, जरा भी मौका मिला तो हम व्यवस्था कर ही लेते हैं। समय बीतता रहा। गर्मी के बाद बरसात का मौसम आने वाला था। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे। रानी चींटी ने अपने पहले से ही अपने खाने की व्यवस्था शुरू कर दी थी। वे लगातार बाहर से अपना खाना लाकर बिल के अंदर इकट्ठा करती रही। नंदनी चिड़िया अपने चिड़ा और बच्चों के साथ आराम से अपने घोंसले में बैठी। ये रानी भी हमेशा परेशानी मोल लेती रहती है, खुद भी आराम नहीं करती और बाकी चींटियों को भी काम में लगाई रखती है। अरे जरा से बादल क्या दिखे, ये सब चिंता में डूब गए। अभी 2-4 दिन बाद बादल इकट्ठे होंगे, इसके बाद शायद बरसात हो सकती है, इसी बीच लंबा समय है। रानी ने उनकी बात सुन ली और रुक गई। नंदनी बहन, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, समय रहते अपनी तैयारी कर ली जाए तो उसमें बुरा ही क्या है। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने खाने की व्यवस्था कर ही लो। हाँ, 1-2 दिन के बाद विचार करूँगी, अभी 2 दिन पूरा आराम करने का इरादा है। आज करे सो कल करे, कल करे सो परसो, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जब जीना है बरसों। इस तरह चिड़ा ने भी नंदनी चिड़िया का ही पूरा समर्थन कर दिया। दोनों आलस करके आराम करते रहे, बस खा लिया और खिला दिया, दाने की बचत कुछ भी नहीं की। दूसरे दिन सवेरे ही बादल गरजने लगे और देखते ही देखते बरसात शुरू हो गई। नंदनी चिड़िया ने मौसम के बारे में ऐसी आशा नहीं की थी, अब वह बाहर भी नहीं जा सकती थी। तेज बरसात में खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी, पानी बरसता ही रहा। यह बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, हम भूख बर्दाश्त कर भी लेंगे लेकिन बच्चों का क्या होगा। रानी सही कह रही थी, हमने आलस में आकर उसकी बात नहीं मानी। अब क्या किया जाए, पानी रुकने वाला नहीं है। कुछ देर बाद नंदनी ने देखा कि चींटियों की लंबी कतार पेड़ पर चल रही थी। सभी चींटियों के मुंह में दाने थे, सबसे आगे रानी चींटी चल रही थी। वह सब दाने लेकर नंदनी के घोंसले तक पहुंच गई। सब ने अपने दाने घोंसले में रखने शुरू कर दिए। चिड़ा और नंदनी चिड़िया देखते ही रह गए। नंदनी बहन, बच्चों को खिलाओ और आप लोग भी खाओ, आगे के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था कर दी है, समय मिलते ही बचत की व्यवस्था कर दो। हाँ रानी बहन, तुमने सही कहा था, हमें दाने और खाने की बचत करनी चाहिए थी, आज आलस के कारण मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। ये तो तुम्हारी कृपा है जो हमें दाना नसीब हो गया, देखो बच्चे कितने प्यार से खा रहे हैं। अब मैं हमेशा समय रहते खाने की बचत करूँगी ताकि भविष्य में पछताना ना पड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदनी, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी का साथ निभाना और उसकी मदद करना दूसरे पड़ोसी का धर्म होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम भविष्य में बचत करने के लिए तैयार हो गई हो। नंदनी को रानी की बातें बहुत अच्छी लगी। उस दिन से दोनों पक्की सहेली। एक दिन एक छिपकली पेड़ के नीचे आ गई। वह वहां पास कीड़े मकोड़ों को खा रही थी। वह रानी के बिल के पास पहुंच गई। नंदनी ने उसे देख लिया। रानी, तुम बिल से बाहर मत निकलना और दूसरों को भी मत आने देना, बाहर एक छिपकली खाक लगा कर बैठी है, मैं अभी इसका इंतजाम करती हूँ। नंदनी अपने चिड़ा को लेकर नीचे उतर आई। ए छिपकली, लगता है भूलकर हमारी गली में आ गई है, अब चुपचाप पतली गली से निकल जा वरना ऊपर भेज दूंगा, यहाँ मेरी सहेली अपनी टोली और बच्चों के साथ रहती।
मैं तो यहाँ घूमने टहलने आई थी, कुछ देर बाद चली जाऊंगी। जोरो की भूख लगी है, पहले भूख मिटाऊंगी। भूख की बच्ची, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तेरे सर पे 100 छेद बना दूंगी। इतना कहकर चिड़ा और चिड़िया ने अपनी चोंच से सिर पर वार करना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, मर गई रे, मेरे सर में सुई चुभा रहे हैं, ये दोनों मिलकर मुझे मार ही डालेंगे, मुझे माफ करो भाई, मैं भाग रही। इतना कहकर चिपकली जो भागी कि भूल कर भी पीछे मुड़कर नहीं दे। रानी बहन, अब बाहर आ जाओ, मुसीबत भाग गई है, अब कभी लौट कर नहीं आएगी। अगर लौटने की सोचेगी भी ना, तो उसे हमारे चोंच की मार याद आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी। अरे बहन, ये तो पड़ोसी का धर्म है, चलो इसी बात पर मुंह मीठा होना चाहिए। रानी अपनी टोली के साथ शक्कर के दाने लेकर पेड़ पर आ गई और सभी ने बड़े प्यार से मुंह मीठा किया। इस तरह से रानी और नंदिनी की दोस्ती हमेशा चलती रही। सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट।